खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री की जान को खतरा, कितना असली कितना नकली, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिलहाल मोदी जी की जान को खतरा चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश लेकर दिल्ली और वाराणसी तक में उनके दीर्घ आयु के लिए पूजा पाठ और हवन हो रहा है। जो लोग मोदी जी को नहीं जानते वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मगर जो उनको जानते हैं उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार उनकी जान को खतरा का शोर जो है वो हो चुका है, लेकिन हर बार बात हवा हवाई हो गई और इस बार भी इसकी हवा निकल जाएगी। पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री को पंजाब की याद नहीं आई, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं किसान आंदोलन चल रहा था। मोदी जी पर 1983 की फिल्म एक जान है हम का ये गीत फिट होता है, जो वो अमरिंदर सिंह के लिए गा रहे हैं। यार तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये सच्ची तेरा मेरा वोट लेकर जाएगी। यानी किसानों की ये सच्ची जिद जो है वो इन दोनों का वोट लेकर चली जाएगी। परंतु अब प्रश्न वोट का नहीं, जान बचाकर आने का है। मोदी जी 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 3000 हाईली ट्रेंड SPG है, जिस पर प्रतिवर्ष 580 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री जब किसी रैली में जाते हैं तो 10,000 स्थानिक पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। आश्चर्य है कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री पंजाब में भाषण किए बिना दिल्ली वापस आ गए। मुख्यमंत्री को जान बचाकर लौटने पर थैंक्स कहा। प्रश्न ये है कि क्या ये बयान हिंदू हृदय सम्राट को शोभा देता है? पड़ोसी देश के घर में घुसकर मारने का दावा करने वाला अपने ही देश में जान बचाकर लौट आया। ये दोनों विपरीत बातें कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती, इनमें से एक या दोनों गलत हैं। जान का खतरा मोदी जी का पुराना घिसा पिटा राग है। जनता की याददाश्त चूंकि कमजोर होती है, इसलिए वो बार बार धोखा खा जाते हैं। बच्चों की कहानी में जैसे युवराज की जान तोते में होती थी, इसी प्रकार मोदी जी की आत्मा कुर्सी में है। इसलिए जब भी उनकी सत्ता को खतरा होता है, जान के खतरे का बिगुल बजा दिया जाता है। 2004 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और BJP लोकसभा का चुनाव हार गई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका मुख्य कारण गुजरात दंगों के बाद मोदी को हटा ना पाना बताया। इस वक्तव्य से मोदी जी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे और उसके केवल 2 दिन बाद 15 जून 2004 को इशरत जहां समेत 4 लोगों का इनकाउंटर हो गया। फिर यह दावा किया गया कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी गुजरात दंगों का बदला लेने की खातर मोदी की हत्या करने के लिए आ रहे थे। सितंबर 2009 को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SM तमंग ने इसे अपने 233 पेजेस के फैसले में फेक इनकाउंटर करार दिया, यानी इशरत जहां की हत्या को फेक इनकाउंटर बताया गया। लेकिन उस वक्त तक मोदी जी की कुर्सी सुरक्षित हो चुकी थी और जान का खतरा नकली साबित हो चुका था। मोदी जी ने गुजरात का पहला चुनाव तो दंगों के सहारे जीत लिया, परंतु दूसरे के लिए 22 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर कर दिया गया। सोहराबुद्दीन के साथ उनकी पत्नी कौशर भी और आगे चलकर उसके साथी प्रजापति को भी पुलिस ने मार दिया। गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन पर भी लश्कर से संबंध और मोदी जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच सौंप दी और CBI की चार्जशीट में उसे भी फेक इनकाउंटर माना गया। ये केस अभी चल रहा है। 2013 में BJP ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया और चुनाव प्रचार में जुट गए मोदी जी। इस दौरान 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान की रैली में कई धमाके हुए। ये मामला NIA को सौंपा गया। NIA की रिपोर्ट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई और NIA ने उन बम धमाकों को भी मोदी जी पर हमले की साजिश करार दिया और गोधरा दंगों के बदले की कहानी दोहरा दी। दिल्ली में सत्ता प्राप्ति की पहली सालगिरह से 2 दिन पहले मथुरा के रामवीर सिंह और लक्ष्मण सिंह नामक 2 भाइयों ने व्हाट्सएप पर
प्रधानमंत्री की हत्या का संदेश भेजा। उन पर केस करने की बात हुई मगर फिर आई गई हो गई। कोई नहीं जानता कि मथुरा के राम लक्ष्मण बंधु कौन थे और उनका क्या हुआ। 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी। जनता की नाराजगी कम करने के लिए आंसू बहाए, झोला उठाकर जाने और किसी भी चौराहे पर फांसी चढ़ने का ऑफर दे दिया। लेकिन लोकप्रियता का ग्राफ गिरता ही चला गया तो 10 दिन बाद 19 नवंबर 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली पुलिस के रेफरेंस से प्रधानमंत्री की हत्या की धमकी का समाचार आ ही गया। बाद में पता चला कि उधार के सिम कार्ड से किसी अजनबी ने किसी से लेकर फोन किया था। इस तरह सारा मामला टाई टाई फिश हो गया। 2017 में मोदी जी मऊ में यूपी चुनाव की मुहिम पर थे। फरवरी में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर के सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमले के खतरे से आगाह किया। ये बताया गया कि हिरेन पंड्या की हत्या के आरोपी रसूल पाती ने मोदी के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ से हमला करने का प्लान बनाया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस द्वारा मऊ के एक युवक को फेक फोन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और वो मामला भी हवा हवाई हो गया। 2018 में कर्नाटक चुनाव से केवल 2 दिन पहले यानी 10 मई को टाइम्स नाउ और जी टीवी ने गुजरात एटीएस की एक एफआईआर में आईसीस द्वारा मोदी जी को स्नाइपर गन के जरिए कत्ल करने के व्हाट्सएप के मैसेज की खबर दी। लेकिन इसका चुनाव में कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले जब राफेल के कारण देश भर में चौकीदार चोर है का नारा गूंजने लगा तो जून 2018 में पुणे पुलिस ने दिल्ली से रोना विल्सन समेत 5 लोगों को भीमा कोरेगांव दंगों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगाया गया कि वो दोबारा राजीव गांधी की तरह की घटना करने पर विचार कर रहे थे। इस प्रकार शहरी नक्सल नामी नई टर्मिनोलॉजी गढ़कर हमदर्दी बटरने की कोशिश की गई। देश के नामी ग्रामी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। इनमें स्टैन स्वामी का पुलिस कस्टडी में देहांत हो गया। सुधा भारद्वाज को कई पाबंदियों के साथ टेक्निकल जमानत मिली। बाकी लोग अब भी बेयारो मददगार एक काल्पनिक आरोप की सजा भुगत रहे हैं। पंजाब के अंदर मोदी जी की जान को खतरा इसी जंजीर की अगली कड़ी है। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री का जहाज सुबह सवेरे भटिंडा में उतरा जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला में शहीद स्मारक जाना था। मौसम की खराबी के कारण अंधेरा था इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो सड़क के रास्ते जाने का निर्णय लिया गया। रास्ते में किसानों के प्रदर्शन की वजह से जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इसके बाद उन्होंने वापस भटिंडा हवाई अड्डे लौटने का फैसला किया। यहाँ तक तो सब ठीक था मगर हवाई अड्डा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं हवाई अड्डे जिंदा लौट पाया कहकर हंगामा कर दिया। एएनआई द्वारा प्रकाशित इस खबर में ये पता नहीं चलता कि प्रधान सेवक ने ये जुमला किससे कहा, लेकिन इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री पर तंज कसना और जिंदा लौटने का मतलब वही जान को खतरा वाला घिसा पिटा हर बार इस्तेमाल करना था। पंजाब में तो कोई प्रधानमंत्री के करीब नहीं फटका मगर बीजेपी वाले ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे आसमान फट पड़ा। हालांकि इससे पहले कई लोग सुरक्षा चक्र फैला कर प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुके हैं। 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में भीड़ बैरिकेड तोड़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इससे भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण 20 मिनट में निमट दिया। एसपीजी उन्हें वहां से लेकर चली गई। इस हंगामे में कई लोग जख्मी भी हुए। 26 मई 2018 को भी बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन के दौरान नादिया का एक व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर मोदी के चरण छूने के लिए उनके पास पहुंच गया। उसको देखकर मोदी समेत सारे लोग हैरान रह गए। बाद में पुलिस उसको छानबीन के लिए थाना ले गई। 25 दिसंबर 2017 को नोएडा में मोदी जी के आगे चलने वाले पुलिस वालों ने गलत मोड़ ले लिया। इस तरह मोदी का काफिला भी महामाया पुल पर 2 मिनट के लिए फंस गया। योगी ने पुलिस वालों को सस्पेंड करके मामला रफा दफा कर दिया। 7 नवंबर 2014 को अनिल मिश्रा नामक एक व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मोदी और शाह के स्टेज पर पहुंचकर जो है उन लोगों से मिला और अमित शाह के साथ सेल्फी भी ली। उसको इनाम के तौर पर जेल भेज दिया गया। मोदी जी ने खुद भी कई बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है लेकिन इस बार राजनीतिक फायदा उठाने के लिए शोर शराबा किया जा रहा है।
वैसे इस हंगामे से कोई फायदा तो दूर, 56 इंच वाले हिंदू हृदय सम्राट की बदनामी ही हो रही है। आखिर में दोस्तों, मैं आपको शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें गब्बर कहता है, कितने आदमी थे फिर भी वापस आ गए, बहुत नाइंसाफी है। इस कितने आदमी का दो मतलब है। पहला मतलब तो ये कि तुम्हारे साथ कितने आदमी थे और इसके बावजूद वापस आ गए। दूसरा मतलब ये है कि फिरोजपुर के उस मैदान में जहाँ सभा होने वाली थी कितने आदमी थे। 5 लाख लोगों का दावा तो किया गया था लेकिन वहाँ तो 5,000 भी नहीं थे, तो अगर वापस ना आते तो क्या करते। हाँ तो दोस्तों, ये है थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।